लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। छिंदवाड़ा पांडुर्गा जिले में कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके चलते पांडुर्गा जिले के आदिवासी क्षेत्र नांदनवाड़ी में 20 वर्ष बाद भाजपा के सीएम मोहन यादव द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया, जिसके बाद पांडुर्गा नगर में रोड शो कर नगर के गुजबी बाजार में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम यादव प्राचीन जाम सवाली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर भाजपा सरकार के लिए जीत का आशीर्वाद लिया। आपकी बार छिंदवाड़ा पार है ना, आपकी बार 29 पार, आपकी बार छिंदवाड़ा पार। बोलो अपने जिले का और वो भाजपा के कमल पुष्प को चढ़ाने के लिए हम सब मिलके छिंदवाड़ा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कितना आश्चर्य होता है, हमारे लिए कितना मन में कष्ट होता होगा। हमारा अपना घर का कोई बच्चा छिंदवाड़ा का भी सांसद नहीं बन सकता, कितने दुर्भाग्य की बात है। आजादी के लगभग 75 साल के बाद भी अगर छिंदवाड़ा का कोई सांसद नहीं बन पाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मैं और आप सब मिलकर संकल्प करें।